क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, पुट ग्रेटर और लेस। हाँ जी, जो स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, उसको सॉल्व करने के आफ्टर हमने साइन पुट करने हैं। टू फ्रैक्शंस दी हुई है, टू फ्रैक्शंस में से ऐसे पता करने हैं कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी। हाँ जी, 8/9, 6/7, ठीक है। पहले हम सॉल्व करेंगे इसको। हाँ जी, सॉल्व करने के लिए 8/9 एंड 6/7 इन दोनों में हम डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर क्या है? 9 और 7, मीन्स के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ठीक है। डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। हाँ जी, एलसीएम ऑफ 9 एंड 7, ठीक है। एलसीएम लिया हमने, कितना आया? 63, ओके। अब हमने डिनोमिनेटर को 63 बना, कैसे बनाएंगे? देखो, 9 तो पहले से ही है, अगर हम 9 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा 63 आ जाएगा, ओके। 7 के साथ अगर हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो किसको करना पड़ेगा? साथ साथ न्यूमिनेटर को। अपनी तरफ से हम ऐसे लिए हैं, ओनली डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम अपनी तरफ से कोई भी नंबर ले रहे हैं तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 56, इसका मल्टीप्लाई किया 63, ओके। नाउ वी सॉल्व सेकंड फ्रैक्शन। अब देखो, 7 पहले से है, हमने 63 बनाने हैं, इसके साथ 7 को मल्टीप्लाई करें भी 63 आ जाए। 9 के साथ कितना आया? 9 6 54, 9 7 63, ओके। अब देखो, इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या बन गया? सेम बन गया। अब हम देखेंगे कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, ठीक है। हाँ जी, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है? 56 वाला नंबर क्या है? बड़ा, ओके। अब हम लिख सकते हैं 56 63 इज ग्रेटर 54 63। अब देखो, 56 कब आया? जब हमने कौन सी फ्रैक्शन को सॉल्व किया था? 8/9, ठीक है। 54 कौन सी फ्रैक्शन को सॉल्व किया था? 6/7। इट मीन्स हमारा बड़ा नंबर कौन सा हुआ? 8/7, ठीक है। देयरफॉर हम यहाँ पर कौन सा साइन पुट करेंगे? ये पर, ये आपने सारा फेयर वर्क भी करके दिखाना है, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा पार्ट है 3 × 2/9, 3 × 5/11। इसमें मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 × 2/9, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 9 3 27, 27 में 2 प्लस किया 29, ओके। हाँ जी, 3 × 5/11, 11 3 33, 33 में 5 प्लस किया 38। अब देखो, इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है, इसीलिए हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 9 एंड 11, कितना आएगा? 99। अब हम डिनोमिनेटर को 99 बनाएंगे। अब देखो, 9 तो पहले से है, 99 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? 11, ठीक है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे।
1999। हाँ जी, नेक्स्ट हमारी फ्रैक्शन है 38 डिवाइडेड बाय 11। अब 11 को 99 बनाने के लिए किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 9 के साथ, ठीक है। अब हम 38 को भी 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 19। अब देखो इन दोनों में से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी हुई? 342। ओके, इट मींस ये वाली फ्रैक्शन क्या हुई? लेस हुई, और ये वाली फ्रैक्शन क्या हुई? ग्रेटर। अब देखो 319 कब आया था? जब हमारे पास क्या था? 29/9। 29/9 कब आया था? जब हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन कितनी थी? 3×2/9। इट मीन्स यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? लेस का। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें पहले सबसे छोटी फ्रैक्शन लिखनी पड़ेगी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, लोवेस्ट फ्रैक्शन से हाईएस्ट की तरफ हमने जाना। ओके, नेक्स्ट
वन बाय टू। 56 बनाने के लिए 28 के साथ, ये देखो 2 को 56 के साथ डिवाइड कर लेना, कितना आएगा 28 डिवाइड बाय 56, ठीक है। अब हमने सेंडिंग ऑर्डर लिखना है, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5 फ्रैक्शंस आ गए। 5 में से ये देखो कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, 12/56, ओके। ये सबसे छोटी है, ये कब आई, जब क्या था हमारे पास, हाँ जी 3/40, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास ये 4 रह गई, 28, 35, 32, 42, हाँ जी। नेक्स्ट 12 से बड़ा क्या है, 28 कब आया, जब हमारे पास फ्रैक्शन कितनी थी, 1/2। अब देखो ये 3 रह गई, इन तीनों में से 32, 4/7, हाँ जी। नेक्स्ट है ये 2 रह गई, इनमें से 35 है, इससे बड़ा क्या लिखेंगे, 5/8। एंड लास्ट इज कितना है, 42 है, मीन्स 3/4। दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर, हाँ जी। 7th क्वेश्चन में है डिसेंडिंग ऑर्डर, वो आपने खुद कर दें, ठीक है। मेथड सेम है, डिसेंडिंग में हम पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऐड फ्रैक्शन को हमने ऐड कर, किसी भी फ्रैक्शन को हम तब तक ऐड नहीं कर सकते जब तक उनका डिनोमिनेटर क्या ना हो, सेम ना हो, ठीक है। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, इसीलिए हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 2। हाँ जी, हमारा एलसीएम आया 12। अब हम सॉल्व करते समय 12 एलसीएम लिखेंगे। अब देखो कैसे सॉल्व करने, जैसे ये 4 है, 4 इज डिनोमिनेटर एंड 12 इज एलसीएम, ओके। 4 को आपने, 4 के साथ आपने 12 को डिवाइड कर, ठीक है। एलसीएम के साथ हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर को, कितना आएगा, 3, ओके। डिवाइड करने के आफ्टर जो न्यूमिनेटर है उसके साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई, हाँ जी। सेम हियर 6 को डिवाइड करोगे 12 के साथ, कितना आएगा, 2, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर के साथ, हाँ जी। नेक्स्ट है 2 को 12 के साथ डिवाइड किया 6, और मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ, ठीक है। 3 3 9 10, 6 डिवाइड बाय 12, हाँ जी। अब इसको प्लस कर दो, 25/12। अब जो फ्रैक्शन, कौन सी फ्रैक्शन बन गई, इम्प्रॉपर। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, ओके। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/12, कोई भी आंसर आप इन दोनों में से लिख सकते हो, ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट वन इज 4 × 1/2, 1 × 1/6, 2 × 2/5। हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 × 2 = 8, 8 × 1 = 9, ठीक है। पहले जो हमारी मिक्स फ्रैक्शन है हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, हाँ जी। 6 × 1 = 6, 6 + 1 = 7, 5 × 2 = 10, 10 + 2 = 12। आफ्टर दैट टेकिंग एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2, 6 एंड 5,
हाँ जी एलसीएम आया 30। ठीक है, पहले 2 को हम 30 के साथ डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 15। 15 मल्टीप्लाई 9। हाँ जी 6 को 30 के साथ डिवाइड किया 5 मल्टीप्लाई 7। 5 को 30 के साथ किया 6 मल्टीप्लाई 12। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, ओके। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, लिखेंगे 8 × 2/3। दिस इज आवर आंसर। हाँ जी नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का। अब हमने फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करने माइनस करने हैं। ये देखो ओनली 3 है, 3 के नीचे हम 1 लगाएंगे फ्रैक्शन बनाने के लिए। ओके, अब एलसीएम ऑफ 1 and 5 = 5। 5 एलसीएम 1 को 5 के साथ, 5 को 1 के साथ डिवाइड किया 5 मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 3 के साथ। 5 के साथ 5 डिवाइड किया 1, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ। 5 × 3 = 15 −2/5 कितना आंसर आ गया 13/5। अब हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। कितना आया हमारा आंसर 2 × 3/5। ओके, हाँ जी नेक्स्ट इज कर सकते हैं। कितना आंसर आया हमारा 3/4।